देखिए इस सर्किट में इसको कैसे सॉल्व करना है अपने के, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस अपने को इस ब्रांच का करंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अपन वोल्टेज देखते हैं तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, और इधर नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस बैटरी का जो है वोल्टेज कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल को मैं क्या करता हूँ, 10 ले ले रहा हूँ, और नेगेटिव टर्मिनल को 0 ले ले रहे हैं। तो इसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देख रहे हैं तो इधर 10 जो कनेक्टेड है यहाँ पे, ये 10 वोल्ट हो जाएगा। नीचे वाला पॉइंट देखिए तो यहाँ पे कनेक्टेड है, सेम यहाँ पे भी इस पॉइंट का 20 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बीच में देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज भी 20 ही होगा। इधर देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। मतलब इस पॉइंट पे देखिए ये भी 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ का करंट कितना हो जाएगा, 0 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा,